हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे साथ हैं शमशीर अली। शमशीर अली जी हैं, ये भी जद्दा में रहते हैं। आज का पॉडकास्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें ये बताएंगे, मैं कम पूछूंगा और ये बोलेंगे ज़्यादा। ओके। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सऊदी अरेबिया में, मैं ये एक इनिशिएटिव जैसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक दूसरे से मिलना, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करना एक अच्छी बात है। तो शमशीर भाई भी आए हैं यहाँ पे, आज बहुत सारी बातें हम लोगों को सिखाएंगे, मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखेंगे। और वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, और अभी आप भी अगर जद्दा में हैं और यूट्यूबर हैं, कुछ आप में टैलेंट्स है तो ज़रूर मिलेंगे और इस तरह से बातें करेंगे। तो सर, शमशीर भाई, थैंक यू वेरी मच, अपने बारे में बताइए। तो सर फर्स्ट तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको कि आपने मिलने के लिए टाइम निकाला आपके बिजी शेड्यूल से। तो मैं आपसे मिलने के लिए ट्राई कर रहा था बहुत दिन से वैसे भी, तो आपका वीडियोस देखता हूँ, पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, जो व्यूअर्स हैं वो लोग भी देखते होंगे। तो सर ने गाइस, मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, सर ने बहुत अच्छा एक इनोवेटिव शुरू किया है। तो जो भी यूट्यूबर्स हैं इंडियन कम्युनिटी के यहाँ पर, तो सर मिलते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इससे गाइज क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को, दूसरे लोगों को, ताकि लोग आगे बढ़ सकें। लोग जो है नीचे से ही ऊपर जाते हैं धीरे धीरे, ट्राई करके, ट्राई ट्राई लेट सक्सेस। तो इसके लिए हम लोग सर का मैं स्पेशली गाइज दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। और एक बात मैं बता दूं, ये भी एक यूट्यूबर ही है, मैंने पहले में नहीं बताया था। ओके। काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाते हैं और आज हमारे साथ बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑडियंस भी हैं। ओके, डेफिनेटली गुड। तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप अपने बारे में हमें बताइए, आप कुछ सऊदी के बारे में ऐसे बातें बताइए जो वैल्यू ऐड करे लोगों को, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताइए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कोई यूट्यूब चैनल शुरू करे, कैसे आपने शुरू करा, किन किन डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ा, वो सारी बातें बताइए। तो सर एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रहा था यूट्यूब चैनल शुरू करूं शुरू करूं। कोरोना के टाइम में भी काम नहीं था, जॉब नहीं था, रूम पे बैठे हुए थे अराउंड 4 मंथ। वो अच्छा टाइम में भी सोचे हम लोग यूट्यूब शुरू करूं शुरू करूं, बट मतलब हिम्मत नहीं होता है, बोलते ना आदमी का, आदमी सोचता नहीं है, मतलब सोचता है लोग क्या कहेंगे, आप कैमरा लेके जाओगे कोई मजाक उड़ाता है, कोई हंसता है। तो एट लास्ट मैंने एक दिन दमा में ही था सर, अनफॉर्चुनेट टूर में गया हुआ था कंपनी के, तो दमा में ही थे, तो वहाँ से मैं एक मतलब एक डमी वीडियो शूट किया, ऐसा डमी वीडियो, डमी क्लाई यानी उस वीडियो। चैनल में नहीं डाला, अच्छा शूट तो अच्छा किया। ओके ओके तो उसके उसके अलावा बाद में मेरे को एडिटिंग मालूम नहीं था, वो वीडियो कैसा पकड़ते, कैमरा कैसा पकड़ते, तो सारा कुछ फिर मैं यूट्यूब से ही सीखा सारा कुछ। देखता था आप लोग को, देखता था जो भी दूसरे यूट्यूबर्स को देखता था, तो सर एटलीस्ट मैंने सोचा अब शुरू ही करना ही है। तो एक दिन मैं शुरू किया तो चल पड़ा धीरे 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 धीरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल में अभी 30,000+ सब्सक्राइबर हैं, वेरी गुड। तो कुछ वीडियोस वायरल गए, तो इंडिया के फैमिली के साथ वीडियोस वगैरह थोड़ा वायरल गए। बाकी डिफ़िकल्टी तो है सऊदी अरब में शूट करना, जॉब करना, आके शूट करना, एडिट करना, ये तो डिफ़िकल्टी होता ही है। यहाँ पे आपने एक बात बताया था जो हर किसी के मन में होगा, वो क्या बात कि भाई मैं कैमरा लेके पब्लिक में जाऊँगा तो सामने वाला क्या बोलेगा। जब तक ये वाला मन में है ना, ये वाला बात, तब तक कोई काम कुछ नहीं कर नहीं सकता, है कर ना। सकता, सही है। देखिए, कैमरा लेके आप जाओ या कि तलवार लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ, जब तक आप किसी को वहाँ पे हानि नहीं पहुँचाओगे, है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है कि सही नहीं। राइट है सर। तो जो भी, मैं भी ब्लॉगिंग बहुत दिनों से करना चाह रहा था, बहुत दिनों से, लेकिन मेरे अंदर भी यही फीलिंग्स अभी भी है, सम 30-40% अभी भी बचा हुआ है। तो ब्लॉगिंग का एक तो टाइम नहीं मिलता है, और ये एक लोग क्या बोलेंगे आप कैमरा लेके जा रहे हो वाला फीलिंग मेरे अंदर भी है, मैं भी इस पे ये काम मेन करूँगा। थिंकिंग यही रहता है सर। तो ये हो गया आपका शुरुआत। फिर आप किस तरह के कंटेंट्स आपका बेसिकली रहता है। बेसिकली सर मैं डेली लाइफ कंटेंट ही बनाता हूँ, जैसे जो भी मेरे डेली की एक्टिविटी वगैरह होता है वही शेयर करता हूँ, ब्लॉगिंग, जैसे फैमिली के साथ हो गया, अपना जॉब का हुआ, जो भी। एक्चुअली बेसिकली मेरा जॉब में अक्सर मैं टूर में रहता हूँ पूरे सऊदी अरब के, तो अक्सर नए नए जगह दिखाता हूँ लोगों को, ग्रेट। उसके अलावा फैमिली के साथ भी जो भी मूवमेंट है शेयर करता हूँ, ये बस डेली ब्लॉगिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब पहली बार आपके घर वाले आपके वीडियो देखे होंगे तो कैसा रिएक्शन था। घर वाले तो पहले वैसे किसी को मालूम नहीं था,
मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को मालूम था, मेरी बेटी एक छोटी सी अराउंड 7 ईयर की, वेरी गुड। तो उसको मालूम था। तो बाकी धीरे 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 मालूम होने लगा लोगों को। और घर में अभी क्या है, मेरी अम्मी भी जो है, माई मदर ऑल्सो सी माई वीडियोज़ खाली टाइम में। तो मेरी अच्छा बेटी को बोलती है लगा के वीडियोज़ दे, तो ब्लॉग लगा के खाली टाइम में देखते रहते। वेरी गुड। तो धीरे धीरे ऐसे अभी अच्छा भी लग रहा है तो करने को, लोग पहचानते हैं ना, जब अच्छा लगा। अभी जब मैं इंडिया गया था लास्ट टाइम, अभी तो कहीं गया, कोई प्रोग्राम में गया, तो लोग पहचान लेते हैं, लोग मिलने आते हैं, तो बहुत और अच्छा लगता है, थोड़ा फीलिंग अंदर से अच्छा आता है। मिलने आते हैं लोग, हेलो शमशेर भाई कैसे है क्या है, तो थोड़ा और अंदर से मोटिवेट होता है कि हाँ और बनाओ। तो वो एक सोशल रेस्पेक्ट जिसको आप बोल रहे हैं, हाँ सोशली आपको रेस्पेक्ट मिलता है। लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुझे पहचाने, है ना। हाँ आप जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो जो सामने वाला है उसको भी मिलने के लिए अच्छा मिलने के लिए लगता है। अगर आप ऑटोमेटिक बदमाशी लोग, कर रहे हो, गाली गलौज वाला वीडियो बना रहे हो, हाँ तो सामने से जा भी रहा होगा तो आप मिलने जाएंगे नहीं उससे। जाएंगे तो वही बात है। तो माता जी का कुछ एक्सप्रेशन याद है आपका, पहली बार अगर वीडियो में नहीं, देखे वो क्या बस बोली, कुछ ऐसा कैप्चर है आपके दिमाग में? देख बस वो एक्चुअली वीडियोस वगैरह देखते रहते। वो कोई कोई वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं जैसे एक वीडियो बनाया था मदीना का, मदीना में जब मैं टूर में गया था, तो थोड़ा स्पीड से जा रहा था, तो सांसें फूल रही थी, तो बोल रही थी मेरी बहन को, मतलब वैसे बोलते हैं ना, देखो तो मेरे बच्चे का सांस फूल रहा था, स्पीड स्पीड चलता है, ऐसा वो लोग देखते हैं, बस ऐसा अच्छा बता रहे थे। अच्छा बाकी वैसे भी मैं थोड़ा मक्का मदीना विजिट वगैरह करता हूँ, तो उसके भी ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, इस्लामिक कॉन्टेंट वगैरह, वो वीडियोज़ भी अच्छे वायरल जाते हैं, लोग कॉमेंट करते, लोग बोलते और दिखाओ, अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाओ ऐसा। देखिए, कंटेंट वायरल जाए ना जाए, कोई कुछ हाँ करके भी करता है तो वायरल चले जाता वायरल है चला ना। कोई बहुत अच्छा करता है तभी भी नहीं जाता है। तो जो भी नए यूट्यूबर्स हैं ना, वो ये माइंडसेट बनाते हैं कि आज मैंने वीडियो बनाया और कल मेरे वीडियो को मिलियंस लोग देख ले, देख है लें, ना। ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं है। होता है। मैंने जब अपना पहला वीडियो बनाया था ना, 2 महीने तक 2 व्यू 3 व्यू ऐसे ही आता था। तो कई बार लगता था इतना मेहनत कर रहा हूँ कोई देखता ही नहीं है। लेकिन मैं सोचता था कि चलो, मैंने जो कंटेंट बनाया है वो लोगों के लिए ही बनाया है, उनको जब जरूरत पड़ेगा वो ढूंढेंगे, उनको मिलेगा तभी ना वो देखेंगे। देखेंगे सही। अब मैं गाना तो गा नहीं रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट हो रहा है लोगों का। तो ओवरनाइट सक्सेस वाले जो लोग हैं वो हाँ यूट्यूब में 10 दिन 1 महीना से ज़्यादा नहीं नहीं टिक टिक पाते सकते तो, हाँ वही हैं। बोलते हैं, बस मेहनत। मैं बोलना चाहूँगा जो भी देख रहा है, सर का चैनल में वीडियो आएगा, तो मेहनत करते रहो आप, आपको सक्सेस एक ना एक दिन मिलेगा, आज नहीं कल जरूर सक्सेस मिलेगा। आप ये ना सोचो नहीं चल रहा है, कोई देख नहीं रहे, जितने भी आप लोग देखे होंगे, जो भी बंदा आज सक्सेस है लाइफ में, वो अपने फेलोअर के बाद ही सक्सेस होता है। एक आप लोग को भी समझना चाहिए, हर इंसान जब तक आप, मतलब बोलते हैं ना, जैसे रात के बाद ही सवेरा होता है, दिन होता है, तो इसी तरह आप मेहनत करते रहो। कोई भी आप अगर यूट्यूबर देख रहे, तो आप मेहनत करना नहीं, कोई भी फील्ड में हो, आप यूट्यूब के फील्ड में हो, जॉब के फील्ड में हो, कोई भी बंदा, कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, हर चीज़ आप ईमानदारी से करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। YouTube का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। लेकिन मिलता भी होगा, मिलता भी है, लेकिन हम जो देख रहे होते हैं वो उस आदमी का 5 साल 6 साल का मेहनत मेहनत है। रहता है। एक ऐसी तरह का एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर का मैं एक वीडियो देख रहा था अचानक, उसमें एक वो आदमी अपना घर दिखा रहा था, है ना। तो उसमें अलग अलग तरह के कमेंट्स थे लोगों के, तो उसमें एक कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया। वो उसने बताया कि इस आदमी का सक्सेस स्टोरी अगर जानना है तो इसके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स है हाँ ये उसको बात सही, देखो, है कितने रात जागा है। ना, कितने रात जागा है तब ये आज इतना बना है। इतना नहीं है कि आज माचिस जलाया और बत्ती जल गया, ऐसा तो है ना। है उसने कितना मेहनत करा तब आज जाके इस मकाम मुकाम में पे पहुंचा है है ना। तो इसीलिए देयर इज नो सब्स्टिट्यूट सर। वही ऑफ बात से एनी मैं एक वर्क। बात बात बोलना चाहूँगा, आपने जो बोला, तो मैं भी एक, आप लोग नाम सुना भी होगा, एक अभी इंडिया का जो टॉप ब्लॉगर है सौरभ जोशी, आप नाम सुने होंगे, अराउंड 22 मिलियन सब्सक्राइबर। तो पहले मैं उनका वीडियो देखता था, मैं भी अभी भी देखता हूँ, और उसके अलावा एक फ्लाइंग बीस्ट करके है, गौरव तनेजा, ही इज़ ए पायलट, हस्बैंड वाइफ बोथ आर पायलट, इनका वीडियोस देखता था, तो मैं वीडियो उनको कंटिन्यू फॉलो करता देखता था। तो आप जो बताए अभी जो डार्क सर्कल का बात, वही याद आया मेरे को, तो मैं देखता था वो बंदा क्या करता था, दिन भर शूटिंग करता था। अभी तो फेम आ गया, पैसा आ गया, बट पहले की उसकी जो सिचुएशन बता रहा हूँ, बंदा दिन भर शूटिंग करेगा, वीडियो करेगा, रात के 2 बजे 3 बजे एडिट करके
अपलोड में लगा के सोता है, यानी आप जो बोल रहे डार्क सर्कल के साथ, तो बंदा मेहनत किया तो आज सक्सेस मिला, तो इसलिए मेहनत करना चाहिए आपको। जो करता है उसी को पता, उसी को पता लगता है, सही बात है ना। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं बैकग्राउंड में, आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो मोस्ट वेलकम, पूछिए। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग, पूछिए कुछ ना कुछ तो पूछिए। आज ऐसा मौका पहली बार आया है कि हमारे व्यूअर भी पीछे बैठे हुए हैं, ऑडियंस। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो इनका मन में ये है कि जब हम यहाँ बैठेंगे तभी हम सवाल पूछेंगे। एनीवे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे एडवाइस आपने लोगों को दिया। मैं ये चाहूँगा कि जद्दा में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट अच्छे अच्छे बनाते हैं। मेरे पास मन में एक प्लान था जब जब मैं दमाम में था, अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको एक जगह हाँ, में मीटअप करेंगे, पार्टी करेंगे, बातचीत करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, है ना। लेकिन वो हो नहीं पाया, तो अब जद्दा में भी यही सोच रहा हूँ। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, सबसे राय विचार करना पड़ेगा कि भाई आप लोग कहाँ रहते हो, कैसा रहेगा, है ना। एक बहुत अच्छा सा एक समझ रहे हैं, कम्युनिटी बनाना चाहिए, क्योंकि हर जगह होता है कम्युनिटी होता है। जैसे इंडिया में तो होता है, मीटअप वगैरह होता रहता है, यहाँ पर मीटअप वगैरह नहीं कर सकते, बिजी शेड्यूल वगैरह था। तो आप ट्राई करिए सर। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी साथ में हूँ आपका। आप लोग देख रहे हैं कोई तो जरूर, नंबर्स तो होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैसेज कीजिएगा, मैं लिस्ट बनाऊंगा, सबसे बात करेंगे। इंडिया में मैं देखता हूँ इतने अच्छे से बातचीत करते हैं, सब मिलते हैं। देखिए, कंपटीशन किसी का किसी से नहीं होना चाहिए, अपने आप से ही रखो, सीखना चाहिए दूसरे का। ये भावना नहीं होना चाहिए कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे उसमें ऐसा है तो उसके उसमें ऐसा नहीं है। वो सबको एक दिन मरना है, क्या लेके जाएगा, सब्सक्राइबर लेके जाएगा। जो भी मैं सर के थ्रू कहना चाहता हूँ, सर के चैनल के थ्रू, कोई भी बंदा अगर जिद्दा में कोई भी यूट्यूबर है, इंडियन हो कोई भी हो, आप अगर जुड़ना चाहे, हम लोग एक करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, बीच बीच में मीटअप वगैरह करेंगे, तो सर के साथ भी कॉन्टैक्ट करिए, मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट करिए, इवेंट्स करेंगे, है ना। तो सर के चैनल में वीडियो आएगा, सर मेरे को टैग करेंगे। उसके अलावा बाकी नंबर्स वगैरह इंस्टाग्राम में आप मैसेज करिए, हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे, इवेंट करेंगे, दो महीना तीन महीना में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा जब भी पॉसिबल हुआ, जब भी छुट्टी रहता है, सबको पता है सऊदी अरब में जॉब है सबका, जब छुट्टी होता है तो वो टाइम हम लोग एक मीटअप करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो अच्छा रहेगा। इसके क्या है, तो आप लोग का सबका क्या है, थोड़ा अच्छा होएगा, सब लोग की कंटेंट एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। मेन बात है, जैसे सर के पास कुछ है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ है, हर बंदे के पास जो है, ऊपर वाला भगवान अल्लाह जो भी है, सबको अलग अलग क्वालिटीज प्रोवाइड करता है। तो एक दूसरे से मिलने से क्या होता है, थोड़ा डेवलप होएगा अपना कंटेंट, आपका कंटेंट सारा कुछ। देखिए, मिलने जुलने से, वो यूट्यूबर को साइड में रखिए, मिलने जुलने से क्या होता है, पहली बात तो थॉट्स, विचार का आदान प्रदान होता है, है ना। आप डिफरेंट रहन सहन से है, सामने वाले डिफरेंट से है, उसमें लोग एडोप्ट करते हैं, अच्छे चीज़ को चूज़ करते हैं। किसी का बात करने का जो वर्डिंग्स होता है, तरीका होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छा चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो उससे सीखा जा सकता है जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, है ना। तो ज़्यादा ज्ञान वीडियो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लोग भी कृपया करके बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे बेकार वाला को इग्नोर कीजिएगा। जो भी अच्छा लगा सर को बताइए, सर किस तरह का वीडियो और बनाएं, सर के चैनल में गई जाइए, सर को सपोर्ट करिए, और जिस तरह का और वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए आप कॉमेंट करिए, बताइए, ट्राई करेंगे हम लोग आपके लिए नए नए कॉन्टेंट्स लाने के लिए। श्योर, सऊदी अरब के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जॉब के बारे में, तो आप लोग सर से मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं, कोशिश तो यही रहेगा कि जितना इनपुट रहे वो दे पाएं। बाकी अभी सऊदी अरब में गाइस मस्त फ्रेंडली माहौल है, आप कोई भी आगे किधर भी जॉब कर सकते हैं, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इधर आराम से आदमी फ्रीली जॉब कर सकते हैं। आप सही हो तो सब सही है, अगर आप किसी को जाके छेड़ोगे तो आपको चाहे आप कहीं भी हो, क्या बोलता है, जो हाईएस्ट सिक्योर प्लेस मान लो जन्नत में भी हो, तो वहाँ भी डंडा पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, अपने आप को आप सही जगह रखो तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है, है ना। गलत जगह रखोगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम्स वगैरह। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरी वन, टू यू एंड टू यू। ओके, थैंक यू सर, मिलके आप बहुत अच्छा लगा आपसे, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सर, मिलेंगे अगेन, बाय बाय।